Hi guys, welcome back to my channel Creative Family. Today I'm going to share with you DIY hair mask जो कि बहुत सारे benefits के साथ है. तो first इसका benefit ये है कि आपके ये hair falls को control करेगा. बहुत ज़्यादा hair fall हो रहा है तो आप इसको use कर सकते हैं. इसे मैं 1 month से use कर रही हूँ and मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा result मिला है. तो first ये आपके hair fall को control करता है, आपको dandruff free hairs provide करता है. मेरी तरह curly hairs है तो हल्का सा straightening में भी help करेगा. scalp में बहुत ज़्यादा gap आ रही है hairs के बीच में, वो भी आपका ठीक करेगा. ये आपके hairs को color करेगा एक natural color, like chemical free color, और ये सारे natural ingredients से भी बना हुआ है. ये आपके hairs में shining भी लाएगा and अगर आपके scalp में बहुत ज़्यादा itching होती है तो उसे भी ये control करेगा. सबसे ज़्यादा beneficial ये है आपके hair fall के लिए एंड आपके हेयर ग्रोथ के लिए. सो देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें लगेंगे. और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा. फर्स्ट इसका इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल. आपको नेचुरल ही एलोवेरा जेल यूज़ करना है, कोई मार्केट प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है. सेकेंड जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है अनियन, प्याज का रस. सभी के रस हमें चाहिएंगे तो यस गाइस, सेकेंड है अनियन. थर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारा आंवला. तो आंवला काफ़ी सारे लोग मार्केट पाउडर यूज़ करते हैं बट आप आंवला ही यूज़ कीजिए, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. कलर के लिए हमें यहाँ पे चाहिए हरी मेहंदी, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं बट केमिकल वाली बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा. आप चाहें तो मार्केट में ईजिली अवेलेबल होती है. नेक्स्ट यहाँ पे हमें चाहिए योगर्ट जो कि हमारे हेयर्स में शाइनिंग लाएगा, रफ हेयर्स को रिमूव करेगा. तो योगर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे हेयर्स की शाइनिंग के लिए. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है लेमन. लेमन विटामिन सी का होता है जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और ये डैंड्रफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. तो यहाँ पे मैंने एक इस तरीके का जार ले लिया है जिसमें मैं एलोवेरा की कुछ इस तरीके की लीव्स को लेकर के आई हूँ. यहाँ पे मैंने लेमन का जो छिलका है, पील्स है, उसके साथ मैंने इसको डाला है क्योंकि मेरे पास लेमन नहीं था बट मैं इसे कंटिन्यू बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ. तो जो भी इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने सारे डाल दिए. इसमें मैंने 2 से 3 आंवला के स्लाइसेस डाले हैं, उसको अच्छे से कट कर लिया था. एंड आपको ये 3 इंग्रेडिएंट्स तो डालना ही है अगर आप हेयर फॉल के लिए इसे बना रहे हैं. बेसिकली मैं इसे सिर्फ हेयर फॉल के लिए इतने टाइम से यूज़ कर रही थी बट इस टाइम पे मैं अपने बालों में कलर भी करना चाहती थी जिसकी वजह से मैंने मेहंदी ऐड की थी. एंड कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स है तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है. एंड कट करने के बाद हम इसमें एक इंग्रेडिएंट और ऐड कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल अभी इसे ऐड नहीं कर रही हूँ, जिसे बोलते हैं मेथी दाना. आप उसे भी ऐड कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके शाइनी हेयर के लिए बहुत ज़्यादा. और अगर आप उसे कंटिन्यू यूज़ करते हो तो आपके हेयर स्ट्रेटनिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मिलता है. नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कट कर लिया है इसमें प्याज. एंड प्याज का रस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी हेयर ग्रोथ में, सबसे ज़्यादा हेल्प करता है. क्लियर स्कैल्प पे, एकदम साफ स्कैल्प पे आपको अपने इसको अप्लाई करना है जिससे कि हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल दोनों में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. सो इसको अच्छे से मैंने मिक्सी में पीस लिया है. मिक्सी में पीसने के बाद इस तरीके से एक कढ़ाई में मैंने अपनी मेहंदी को निकाल लिया है. मैंने यहाँ पे लोहे की जो कढ़ाई होती है वो ली है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं. और इस तरीके का एक नेट का कपड़ा लिया है जिसमें मैंने जो भी पीसा था उसको लगा रख कर इस तरीके से रस निकाल लिया है. एंड इसी में अपना जो भी प्रोडक्ट है वो मैं मिक्स कर लूँगी. तो इस तरीके से आप कोई भी हेयर मास्क बना सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी होता है. ये नेट का कपड़ा आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, सारे ही प्रोडक्ट्स हैं बट मैं चाहूँगी कि आप नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. सो यू कैन सी इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है. यहाँ पर हम अभी अगर हमें थोड़ा सा बेस और चाहिएगा तो हम इसमें दही भी ऐड कर लेंगे. मैंने वो इंग्रेडिएंट लास्ट में ऐड किया था इसलिए मैं उसका क्लिप नहीं ले पाई थी. सो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है. एंड आधी घंटे इस कढ़ाई में रखने के बाद मैं इसको अपने हेयर्स में अप्लाई कर लूँगी. सो गाइज, आपको कुछ इस तरीके से इसको अप्लाई कर लेना है. एंड मैं इसे 2 घंटे के लिए रखती हूँ. अगर मैंने मेहंदी लगाई तो मैं 2 घंटे के लिए रखती हूँ, लेकिन अगर मैंने इसमें मेहंदी ऐड नहीं की है तो मैं इसे सिर्फ 30 से 45 मिनट्स तक के लिए रखती हूँ. सो उसके बाद आपको मिलते हैं इस तरीके के कुछ शाइनी कलरी लाइट ब्राउन कलर के हेयर्स. तो यस गाइज, आप इसको ट्राई कीजिए एंड अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल रही है, आपको भी रिजल्ट मिलता है तो गाइज रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाई हो पाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.